दरवाजा बंद करते हैं पंजाब और वज़ीर-ए-आला पंजाब और आरपीओ सरगोधा रोजाना इसकी अरेस्ट के बारे में अपडेट लेते रहे, पल पल के हमें प्रोड करते रहे और उन्होंने रेगुलर बुनियादों पे हमें इसके अरेस्ट के लिए हिदायत दी और हमने इसके लिए अरेस्ट के लिए मियांवाली पुलिस ने तीन टीमें डीएसपी सदर की जेर निगरानी बनाई, जिसमें सीआईए की टीम थी, हमारे एसएचओ साहब की टीम थी और एसएचओ आमाशा की टीम। इन्होंने दिन रात मेहनत की, 30 के करीब रेड्स किए इसमें और दर्जनों लोगों को इसमें शामिल तब्दील किया। इसको इसका पकड़ना मियांवाली पुलिस के लिए एक बहुत अहम कामयाबी है, क्योंकि इसने जो एक्ट किया है, सपाकाना अमल किया है, वो आज के दौर में सोच नहीं सकता अपनी बच्ची को गोलियों से भूनने। 7 दिन की बच्ची, ऐसा सपाकाना फेल है जिसने सब लोगों के जमीर को छोड़ दिया है, लोगों को अपने अपने माशरे में दोबारा गौर करने पर मजबूर कर दिया। इसकी गिरफ्तारी के बाद अब सबसे अहम मरला हमारे लिए इसकी तफ्तीश है और इसकी कन्विक्शन है। आई जी पंजाब राव सरदार अली खान साहब और आरक्यू सरगोधा राणा फैसल साहब की हिदायत की रोशनी में इसको खुद इसकी तफ्तीश की निगरानी करूंगा और इसमें हम प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट साथ मिलाएंगे और इसके जो एविडेंस है, नेसेसरी एविडेंस, सबको अपने साथ उसको एक केस फाइल पर लेके आएंगे ताकि इसकी कन्विक्शन हो और इसको अदालत से मिसाली सजा दी जाए। ये एक टेस्ट केस था मियांवाली पुलिस के लिए इसका पकड़ना। मैं अपनी सारी टीम डीएसपी सदर की क्यादत में, एसएचओ सदर, सिटी और इंचार्ज सीआई कानपुर, इन सब ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है और इन्होंने दिन रात को नहीं देखा और सुबह शाम एफर्ट करके दर्जनों लोगों को इंटरवेट करके इस एक चैलेंज था मियांवाली पुलिस के लिए, उसको सबूत किया है और इस शख्स को जिसने अपनी बच्ची के पैमाने का कत्ल हुआ था उसको अरेस्ट किया। मैं सारी टीम को शाबाशी दूंगा।